मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 5th के 3rd तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5th का 4th पार्ट। तो 5th का 4th पार्ट है आपका 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। क्लियर? इसको आपको प्रूफ करना है, मतलब आपको इसको LHS को प्रूफ करना है। तो कभी भी क्या होता है कि ज्यादातर क्वेश्चन हमें जब हमने किया है कि हमने LHS को लेके RHS प्रूफ कर दिया है, या RHS को लेके LHS प्रूफ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमें LHS को भी सॉल्व करना होता है और RHS को भी सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है जिसमें हमें LHS भी सॉल्व करना होगा और RHS भी सॉल्व करना होगा। तो हम पहले LHS लेते हैं इसमें। LHS लिखने के लिए लिखेंगे 1 प्लस sec क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos लिख सकते हैं, बराबर cos अपॉन sec को फिर वही 1 अपॉन cos। क्लियर? ऊपर ऐसे के लिए कितना हो जाएगा, cos a प्लस 1 अपॉन cos a और अपॉन 1 अपॉन cos a। समझ आया? 1 और cos कैंसिल, कितना हो गया cos a, तो cos a अपॉन 1 कितना हो गया cos a, cos a इनटू 1 कितना हो गया cos a, cos a प्लस 1 अपॉन cos a, ये पूरा सॉल्व होके ये हो गया। ठीक है, और नीचे वाला अपॉन cos होता है, ये cos और ये cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा cos a प्लस 1 अपॉन 1 यानी cos a प्लस 1 कितना हो जाएगा cos a प्लस 1। अब ये आगे कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे, अब RHS को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहां पे RHS को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। RHS देखिए क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। अब sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos a। ठीक है, हमने sin स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस cos a तो था ही। अब देखिए 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, तो 1 प्लस cos और 1 माइनस cos अपॉन 1 माइनस cos। देखिए 1 माइनस cos और माइनस cos कट गया, कितना बचा 1 प्लस cos a या cos a प्लस 1। देखिए ये cos a प्लस 1 और 1 प्लस cos a एक ही चीज है, लेकिन हैंस LHS is equals to RHS। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th का, सॉरी 5th का 4th पार्ट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है और ये एक मतलब ये एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको एक स्पेशल तरीके से इसको करना पड़ेगा। मतलब आपको एक काम इसमें करना ही करना है, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज अगर आपको और इसमें लगाना बैठेंगे तो आप इसको सॉल्व ही करते जाएंगे 3 घंटे तक। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए, इसे लिखा हुआ है cos a, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, इसमें लिखा हुआ है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a और माइनस 1। ठीक, इसको सॉल्व करके आपको लगाना है cos a प्लस cot a, ये आपको सॉल्व करके इसको लाना है। ठीक है, तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। इसमें LHS देखिए, इसमें क्या करेंगे, LHS में देखिए करना क्या है, इसमें स्टार्टिंग स्टेप ही क्या है, इसमें क्या करना है कि डिवाइड डिवाइड द LHS बाय साइन ए। LHS को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे, मतलब LHS में जितने टर्म्स आ रहे हैं उनको सबको साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो इसको भी साइन ए से, इसको भी साइन ए से, इसको भी साइन ए से, इसको भी और इसको भी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन अपॉन फिर cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन। फिर इसके बाद
इसके बाद देखिए, तो अब क्या होगा, cos upon sin क्या होता है cot a, माइनस sin upon sin कितना हो जाएगा 1, प्लस 1 upon sin क्या होता है cos a upon, फिर cos upon sin क्या हो जाएगा cot a, प्लस sin upon sin कितना हो जाएगा 1, माइनस ये हो जाएगा 1 upon sin कितना हो जाएगा cos a, ठीक क्लियर। अब तो कुछ करना नहीं इसमें, इसको ही हटा देते हैं क्योंकि यहां पर दो भी कर रहे हैं। अब देखिए cot और sec को एक cot a प्लस cos a को एक साथ रखेंगे तो हो जाएगा cot a प्लस cos a और माइनस वन तो बाद में तो माइनस वन अपॉन इधर भी cot a प्लस cos a और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वन cos a cot a माइनस cos a, ठीक क्लियर। इसके बाद अब करना क्या है, देखिए नीचे हमें कुछ नहीं करना है, हमें कितना जो सॉल्व करना है वो हमें ऊपर ही करना है। तो देखिए cot a और प्लस cos a इसको ले लेंगे एक साथ माइनस। अब देखिए cot cos a में एक आइडेंटिटी होती है, हमने यहाँ पे पढ़ा था cos a स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक पढ़ा था आपने भी cos x स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। तो अगर cos x स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं तो 1 को ये भी लिख सकते हैं, है ना, अगर इसको 1 लिख सकते हैं तो 1 को ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो 1 है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे cos x स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, ठीक अपॉन, नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे ऐसे चलता रहेगा cot a माइनस cos a के प्लस वन, ठीक तो cot a प्लस cos a के माइनस, तो साथ में लिखिएगा ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, तो cos a प्लस cot a और cos a माइनस cot a, ठीक अपॉन नीचे वैसे ही सकते रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक क्लियर। अब देखिए एक ये टर्म है पूरा माइनस एक ये टर्म, ठीक है एक पूरा ये टर्म है माइनस एक पूरा ये टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक इन दोनों में अगर आप देखें तो कॉमन है cot a plus cos a या cos a plus cot a, a plus b या b plus a एक ही बात होती है। तो देखिए यहाँ भी cot a plus cos a है cos a है और यहाँ भी cot a plus cos a है, तो क्या करेंगे cot a plus cos a यहाँ जगह कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा देखिए इसमें से यही चला गया, तो अगर कुछ कॉमन ले रहे होते हैं तो अगर उसमें से वही चला जाए तो क्या बचता है 1 बचता है, ठीक माइनस इसमें देखिए ये चला गया तो ये बचा, तो क्या हो जाएगा हम यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं क्योंकि आगे माइनस का साइन है, ये हो जाएगा cos a माइनस cot a, फिर नीचे वही रहेगा cot a माइनस cos a प्लस 1, क्लियर समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद इधर का थोड़ा सा मेकअप करना पड़ेगा, दो स्टेप का क्वेश्चन बचा है, cot a प्लस cos a अंदर देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे इसमें से तो 1 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस cos a और ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस है, तो प्लस cot a अपॉन cot a माइनस cos a और प्लस 1। देखिए ये चीज और ये चीज देखिए है cot a प्लस का cot a प्लस का cos a माइनस का cos a माइनस का प्लस का 1 और ये प्लस का 1 कट गया, क्या आ गया cot a प्लस cos a और यही यहाँ पे क्या था ठीक, तो आपका एचएस और एचएस आपका बराबर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ये बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार आया है, एग्जाम इन द सेंस कि आपका बोर्ड है, ठीक है बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
देखने में केवल लेंथी लगता है लेकिन होता बहुत ही आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान पड़ेगा। इसके बाद हम सिक्स पार्ट नहीं करेंगे, सिक्स पार्ट हम बात करेंगे हम सेवन पार्ट इसमें करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेवन पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेवन पार्ट देखिए इसमें लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करके लाना है टेन थीटा। ठीक, सॉल्व करके लाना है टेन थीटा, तो हम एलसीएम ले लें इसमें। ठीक, एलसीएम ले तो देखिए ऊपर क्या फॉर्म आ जाएगा, आ जाएगा ऊपर आ जाएगा साइन थीटा। देखिए क्या क्या बचेगा अंदर, साइन थीटा बचा, साइन थीटा चला गया कितना बचा वन माइनस टू, यहाँ पावर थ्री थी, ये पावर चली गई कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अपॉन नीचे क्या कॉमन है, नीचे कॉमन है आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा टू कॉस क्यूब है, एक कॉस बचे, एक एक कॉस कम हो जाएगा तो कितना बचेगा स्क्वायर बचेगा और माइनस वन। क्लियर, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऊपर चेंज नहीं करेंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा अपॉन टू कॉस स्क्वायर को लिख दें वन माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, और माइनस वन कॉस स्क्वायर को हमने क्या लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर, ऊपर कैसे रहेगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर कोई चेंज नहीं होगा तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे देखिए टू से वन मल्टीप्लाई में कितना आ गया टू आ गया, टू से साइन स्क्वायर में तो माइनस का टू साइन स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये माइनस वन बाहर। ठीक, क्लियर, हाँ। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू में से वन लिया, ये प्लस का टू माइनस का वन, टू में से वन लिया कितना बचा वन हो जाएगा वन और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया साइन अपॉन कॉस कितना हो जाता है वो टेन थीटा, यही आपका क्या है आज अच्छा। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेवेंथ पार्ट है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं एट्थ पार्ट। ठीक, एट्थ पार्ट इसमें करते हैं, एट पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन फिफ्थ का एट पार्ट लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस क्या करें इसमें एलएक्सएस ले लें, एलएक्सएस से स्क्वायर करें इसमें ए प्लस बी का होल, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों में लगा दीजिए। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक, प्लस फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी। क्लियर, अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये क्या हो गया वन प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस अभी देखिए नंबर टू साइन ए इंटू कॉस एक्स, देखिए हमने हमने पढ़ा था कि साइन ए को जो क्या होता है वन कॉस एक्स होता है, साइन ए को जो होता है वन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स को उधर भेज दीजिए तो ये साइन ए इंटू कॉस एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा। देखिए साइन इंटू कॉस एक्स कितना हो गया वन और टू इंटू वन कितना हो गया टू प्लस ये कॉस स्क्वायर चले गया था ये वन बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बचा उसके बाद सेक स्क्वायर ए और प्लस जिस तरह साइन इंटू कॉस एक्स वन हो गया उसी तरह कॉस ए इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा
जाएगा 2 इनटू 1 यानी 2। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लus, अभी देखिए लिखा हुआ है cosec square। देखिए यहां पे आपको लाना क्या है, राइट हैंड साइड में आपको लाना है tan square और cot square। तो देखिए cosec square को हम इधर आपका आइडेंटिटी होती है cosec square थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot square थीटा होती है ये। तो यहां cosec square लिया है दी 1 प्लस cot square, तो ये cosec square लिया क्या जाएगा 1 प्लस cot square a प्लस उसी तरह sec square क्या होती है आइडेंटिटी sec square a प्लस सॉरी माइनस tan square a इक्वल से क्या होता है 1। तो sec square मतलब की वैल्यू आपको रखनी है तो tan से मतलब ये क्या लिख सकते हैं sec square a को 1 प्लस tan square फिर समझ गए cosec square थीटा को यानी cosec square को हमने लिखा 1 प्लस cot square थीटा है तो 1 प्लस cot square है और फिर sec square का लिखा 1 प्लस tan square। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर और प्लस cot स्क्वायर ये आपका आंसर है। ठीक समझ में आ गया। इसके बाद जो इसमें बचे हुए क्वेश्चन है तो इतने पार्ट हमने करवा दिए आपको नंबर 8 पार्ट हमने करवा दिए बीच में ही छोड़ा था ठीक है नंबर 7 पार्ट हमने करवा दिए तो 10 में हमने 7 पार्ट आपको करवा दिए। जो 3 पार्ट है वो आप खुद अटेंड करिएगा नहीं आएगा उसको बताएंगे। तो इसमें हमारे हिसाब से ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। इसके बाद हम जब नेक्स्ट मिलेंगे तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है। सो टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स।